हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। हम कर रहे थे स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, और उसका फर्स्ट पार्ट किया था। टोटल 4 पार्ट्स हैं, लीड कोड के 4 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें क्या था, हमें प्राइजेस दिए हुए थे और हमें क्या था, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करके कि मतलब एक बार बाय एंड एक बार सेल, मतलब इसमें से किसी पॉइंट पे हमें बाय करना था एंड किसी पॉइंट पे सेल। तो हमें बताना था कि एक ट्रांजेक्शन से कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। वो था हमारा पिछला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, बट क्या है कि इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, ठीक है। अब क्या है कि देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो मैं जितने मर्जी बाय सेल कर दूंगी। या मैंने बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, मतलब चाहे मैं एक बाय सेल करूं, चाहे मैं जितने मर्जी बाय सेल करूं, बट मेरे को कंडीशन क्या है, मतलब मेरे को करना क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। बस यहाँ पे चेंज है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। अब क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम सस्ते से सस्ता बाय करें, कि मतलब बाय प्राइस मिनिमम होना चाहिए एंड सेल प्राइस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कि मतलब अगर यहाँ बाय है और यहाँ सेल है, ठीक है, अगर इससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है मान लो 5, ठीक है, तो अगर मैं बाय को थोड़ा नीचे कर सकता हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। एंड अगर मैं सेल को थोड़ा ऊपर कर दूँ, ठीक है, तो भी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि अगर मैं एक बाय सेल अज्यूम कर लूँ तो उसके बाद मैं देखना है कि मैं इससे सस्ता बाय कर सकता था, क्या मैं इससे महंगा बेच सकता था। मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस को इंक्रीज करना है। अब क्या है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें कि मान लो कि जैसे मैंने 2 पे बाय कर लिया, ठीक है, फिर मैं सेल कर सकता था 4 पे, ठीक है, तो 4 के बाद मेरा आ गया प्राइस 1, ठीक है। तो बट क्या है कि मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला प्रॉफिट बुक कर लिया। अब क्या है कि मैं खरीदूंगा कहाँ पे, जब प्राइस नीचे आया, ठीक है, 1 पे आया प्राइस, तो मैंने 1 पे खरीद लिया और फिर 3 पे बेच दिया, मैंने फिर 2 पे खरीद लिया, 6 पे बेच दिया। इसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक दो पॉइंट्स ओवर ऐड करने दो। जैसे इधर 1 आ गया और इधर 0.5 आ गया, ठीक है, इधर 2 आ गया और इधर भी एक कोई दिन लगा लो, इधर 3 आ गया, ठीक है। तो ये वाला छोड़ दो, ये हमारा प्राइसेस वाला एरे ये बन गया, ठीक है, थोड़ा गंदा फिगर बट ठीक है। अब क्या कि जैसे मैंने 2 पे बाय किया, तो मैं क्या कि प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा कि एक ट्रांजेक्शन से मतलब प्रॉफिट देख लिया मैंने, 2 पे बाय किया, तो मैं सेल क्या करूँगा 4 पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 के बाद क्या है कि नीचे आ रहा है और नीचे आने पे प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, तो मैंने एक ट्रांजेक्शन ये कर दी, ठीक है। उसके बाद मान लो कि मैं 1 पे बाय करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, तो बट मैंने देखा कि इसके जो नेक्स्ट वाला है वो उससे भी कम है, तो मैंने बाय 1 को कैंसिल करके मैंने बाय कर दिया 0.5 पे, ठीक है। तब मैंने बाय फिक्स कर दिया, तो अब मैंने बाय फिक्स कर दिया, तो अब मैं सेल कर देखूंगा, ठीक है। तो सेल के लिए मेरे पास देखो 0.5 पे बाय किया, तो मैं एक सेल कर सकता हूँ 1 पे, ठीक है, बट क्या कि अगला उससे भी बड़ा है, तो मैंने उसको भी कैंसिल करके 3 कर दिया, ठीक है, तो मेरा ये आ गया सेल। मतलब अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यही चीज होगी ना कि जितना मिनिमम हम बाय कर सकते हैं वहां पे बाय करो और यहाँ पे सेल करो। फिर उसके बाद नीचे जा रहा है, फिर जैसे ही मिनिमम मेरा क्रिएट हुआ वहां पे बाय किया, फिर जैसे ही मैक्सिमा बना वहां पे सेल कर दिया, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे जैसे मिनिमा बना तो यहाँ पे बाय कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, तो क्या कि हम कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मतलब हमें वैलीज पे जो मिनिमम पॉइंट्स हैं वहां पे बाय करके मैक्सिमम पॉइंट्स पे सेल करते जाएं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। मतलब ये सिंपल एक ब्रूट फोर्स है, ये डीपी का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं डीपी की सीरीज करा रहा हूँ तो बीच में कई क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो सारे क्वेश्चन मैं उसी सीरीज में डाल रहा हूँ। तो क्या है कि मेरा जनरल आइडिया क्या बन गया कि जैसे मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल, बाय सेल, बाय एंड सेल। तो मतलब मेरे को ये चीजें फाइंड करनी है।
तो अब क्या कि ये चीजें फाइंड करने के लिए क्या है कि मैं क्या है कि सारे 22 फाइंड कर, मैं क्या कर सकता हूँ कि शुरू में पहले मैंने 22 सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने नेक्स्ट 22 सिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट सेल सिलेक्ट किया। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे अच्छा क्या है कि ध्यान से देखो कि जब भी मेरा अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, मतलब जब तक मेरी अप स्लोप अपवर्ड है वो सारा काउंट हो रहा है, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, तो स्लोप अपवर्ड्स वाली सारी काउंट हो रही है, स्लोप अपवर्ड्स वाली सारी काउंट हो रही है, स्लोप अपवर्ड्स वाली सारी काउंट हो रही है, स्लोप अपवर्ड्स वाली सारी काउंट हो रही है। तो इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ वो ये सारी को कैलकुलेट करना है, कि मतलब मेरे को वो वाली रेंज कैलकुलेट करनी है जब जब मेरी स्लोप अपवर्ड्स है, ठीक है। अब क्या है कि स्लोप अपवर्ड्स है तो जैसे मान लो कि इसके बीच में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मैं क्या कर सकता था कि मैंने बाई कर लिया 1 पे, फिर मैं अगली पोजीशन पे गया तो वहां पे 2 आया, तो मैंने एक बार टेम्परेरीली सेल पे 2 रख लिया, ठीक है, बाई पे मैंने 1 रख लिया, फिर मैंने 2 से अगला देखा 3 आया तो सेल अभी मेरा बन गया 3, फिर 3 से अगला देखा मैंने देखा 4 आया तो सेल बन गया 4, फिर अगला मेरा जैसे मान लो फिर से 3 आ गया तो अब मैं इसे रिप्लेस नहीं करूंगा क्योंकि वो इसे डाउन आ गया, तो ये मेरी एक ट्रांजेक्शन होगी। सिमिलरली मैं आगे भी ऐसे रिपीट कर सकता था, बट इंस्टेड ऑफ दिस हम 1:4 को ऐसे कह सकते हैं कि 1 से 4 का जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 से 2 तक एंड 2 से 3 तक एंड 3 से 4 तक, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट्स को ही बने हैं ना, मिला के ही बने। तो मैं कह कि सिमिलरली मतलब सिंपली अगर मैं ये देखूं कि अगर कोई इधर एलिमेंट है आई और आई प्लस वन एलिमेंट अगर आई से बड़ा है तो मतलब क्या है कि मेरी अपवर्ड स्लोप है। तो मतलब क्या है कि मैं इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग बाइंग सेल मैं क्या करूंगा पूरा आइट्रेट करूंगा। तो अभी मेरा आई जीरो है तो मैंने देखा कि आई वन जो है बड़ा है, ठीक है, आई जीरो से, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा प्राइस ऑफ वन माइनस प्राइस ऑफ जीरो, ठीक है। फिर मैंने देखा टू पे, टू वाला भी मेरा वन से बड़ा है तो मैं ऐड कर दूंगा प्राइस ऑफ टू माइनस प्राइस ऑफ वन, ठीक है। फिर थ्री वाला देखा मैंने, थ्री वाला भी टू से बड़ा है तो मैं क्या कर दूंगा प्राइस ऑफ थ्री माइनस प्राइस ऑफ टू, ठीक है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली बचा क्या कि प्राइस ऑफ थ्री माइनस प्राइस ऑफ जीरो। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया कि ये जो पूरी है इसको मैंने शॉर्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो मैं क्या है कि सिंपली क्या है कि आइट्रेट करूंगा और साथ वाले पेयर्स देख लूंगा कि अगर पेयर में आगे मतलब ये आई एथ है, आई प्लस वन एथ है और ये आई है, मतलब अगर अगला नंबर बड़ा है मेरा तो मैं उतना ऐड कर दूंगा, अगर अगला नंबर छोटा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सिंपली मैं क्या कि अपवर्ड सारे कैलकुलेट करता जाता हूँ। तो मैं क्या बन गया कि जैसे मेरा ये था प्राइसेस में समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए देन बी देन एंडिंग विद ई एंड एफ, लेट्स से ये मेरे प्राइजेस थे। तो मैं आई इधर से स्टार्ट कर रहा था, तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को फर्स्ट पेयर ये वाला कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, एट द एंड जो पेयर मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा वो ये होगा, ठीक है, कि ई एंड एफ के बीच में देखूंगा कि ई एंड एफ उसे बड़ा है कि नहीं। तो मेरा जो आई है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से, आई लेस देन दिस इज, अगर सेवन नंबर्स है तो दिस इंडेक्स इज 6 एंड दिस इंडेक्स इज 5, तो मेरे को n माइनस 1 तक जाना है ना, 7 माइनस 1, मेरे को 5 तक जाना था, तो i लेस देन 6 तो 5 तक रन होगी लूप, तो i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस। अब क्या है कि मैं ईच एडजेसेंट पेयर के बीच में देखूंगा कि इफ प्राइजेज ऑफ i प्लस 1 माइनस प्राइजेज ऑफ i, अगर इसको रब कर देते, ठीक है, अगर मेरा i प्लस 1 बड़ा है प्राइजेस ऑफ i से, देन क्या है कि मैं मैक्स प्रॉफिट, जैसे मैंने इधर ले लिया मैक्स प्रॉफिट 0, तो क्या है कि मैं उधर ऐड करते जाऊंगा कि मैक्स प्रॉफिट प्लस इक्वल्स टू प्राइजेस ऑफ i प्लस 1 माइनस प्राइजेस ऑफ i, ठीक है। तो ऐसे ही मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई अगला है वो भी ऐड हो गया तो वैसे ये कट हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली क्या है कि ये बाई सेल ही मेरा बचेगा। तो एट द एंड क्या है कि मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा मैक्स प्रॉफिट, ठीक है।
तो सिंपली ऐसे करने से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ एन है, क्योंकि क्या है कि हम एक लूप चला रहे हैं एन माइनस एन माइनस टू टाइम्स, ठीक है, तो बस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी ओ एन की, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, ऑफ वन, क्योंकि हमने सिर्फ ये डिक्लेयर की है, ठीक है, ये तो जो था प्राइजेस वाला, ये तो एज ए रेफरेंस आया था इस फंक्शन में, तो इसकी स्पेस काउंट नहीं होती, ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ वन है, क्योंकि हमने कुछ स्पेस लिया नहीं है, हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस वाले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, अभी दो क्वेश्चन इसके और पड़े हैं, वो भी करेंगे, ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।